हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जेन और थॉर का ब्रेकअप कैसे हुआ। जैसे ही थॉर का ट्रेलर आया था तो हमने ये वाला सीन देखा जिसमें कि जेन काफी इजी तरीके से पूछती है कि हमें काफी टाइम हो चुका है बिना मिले, और थॉर बिल्कुल फनी वे में कहता है कि बस 8 साल 7 महीने 6 दिन ही तो हुए हैं, दिन कौन गिन रहा है। भाई मन में लड्डू तो फूट रहा है पर बता नहीं रहा है अंदर की बात। तो I still love you. पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि थॉर ने कौन सा कैलकुलेशन लगाया कि थॉर का ब्रेकअप कैसे हुआ और थॉर इतने सालों से क्यों नहीं मिला। तो आज इसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि थॉर का ब्रेकअप कैसे हुआ और उसने कौन सी कैलकुलेशन लगाई। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ज्यादा कमाल का है। तो सबसे पहला रीजन जो ब्रेकअप होने का हो सकता है मेरे हिसाब से कि थॉर एक गॉड है और एक एवेंजर्स भी है। जब भी वो अर्थ पर आया है तो सिर्फ उसको बचाने के लिए, जैसे एग्जांपल थॉर का पहला पार्ट थॉर डार्क वर्ल्ड, फिर उसके बाद एवेंजर्स, फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम। पर इस दौरान थॉर का एक ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया जिसमें कि वो स्पेस जेन से मिलने आता है। तो आपने नोटिस करा होगा ये वाला सीन। उसी के साथ दूसरा रीजन जो कि थॉर का ब्रेकअप होने का हो सकता है, ब्लिप का, स्नैप का। जब थैनोस ने स्नैप करी होगी तो जेन चली गई होगी और थॉर उस टाइम बिल्कुल अकेला था, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। अब बात करें कैलकुलेशन की कि थॉर ने 8 साल की कैलकुलेशन कहां से लगाई। तो एज ऑफ द अल्ट्रॉन में थॉर ने बोला था कि जेन को अब मिलने वाला है नोबल पुरस्कार। वहीं पर मुझे लगता था कि शायद थॉर बस उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है पर उससे मिलने नहीं जा रहा है, यानी कि इन दोनों का ब्रेकअप एज ऑफ द अल्ट्रॉन की टाइमलाइन के अनुसार हुआ। अब एज ऑफ द अल्ट्रॉन से लेके इन्फिनिटी वॉर तक का टाइम 4 साल हो गया, फिर उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करते ही 4 साल में जेन चली गई थी और थॉर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और आपने देखा था कि थॉर की क्या स्थिति हो चुकी थी। लोंडा हमारा दारू पी के बिल्कुल टुल्ल था और उसको किसी से मतलब नहीं था, बस वो नोवा मास्टर से फोर्टनाइट गेम खेलता रहता था। तो ये काफी कमाल का हमें सीन दिखाया। मे बी ये रीजन हो सकता है थॉर और जेन का ब्रेकअप होने का। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या थॉर का ब्रेकअप एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम हुआ था या नहीं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।